हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशाज किचन। आज मैं आपको हैवी क्रीम बनाना सिखाऊंगी और उस हैवी क्रीम से ही हम लोग व्हिप क्रीम कैसे बनाते हैं उसका बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं क्रीम बनाना। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अमूल का फुल क्रीम दूध लिया है 1.5 किलो। इसको हम क्या करेंगे कि कट कर और इसको हम इस पतीले में डाल देंगे। अब इस दूध को हम कम से कम 6 से 7 घंटे फ्रिज में ठंडा करेंगे। ये वो क्रीम है जो हमने फ्रिज में 6 से 7 घंटे जिसको ठंडा किया था। अब आप ये देखिए कि ये जो ऊपर एक थिक लेयर आ गई है, ये जो थिक लेयर है हमें इसको इकट्ठा करना है। और मैंने कुछ पहले से ही इकट्ठा कर ये रखी थी 2 से 3 बार, लेकिन आप ये देख सकते हैं क्लोजअप कि ये क्रीम, ये मेन क्रीम है हमारी, ये क्रीम हमने इकट्ठा कर। अब ये क्रीम जो हमने इकट्ठा की है इसको हम फेटेंगे। उससे पहले हम लोग एक इससे बड़ा बाउल लेंगे और उसमें हम ठंडा पानी डालेंगे। उस ठंडे पानी से क्या होगा कि हमारी क्रीम चिल रहेगी। इस ठंडे बाउल में मैंने ये रख दिया है, अब हम इसको फेटेंगे। ये देखिए, ये थोड़ी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है। इसको हम इसी तरह से घुमाते रहेंगे। इसको कम से कम 5 या 7 मिनट आप उसे घुमाएंगे तो आपकी क्रीम जो है वो थिक होने लगेगी। अब आप फ्रेंड्स देखेंगे ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट, और इतनी अच्छी इसकी बनकर आई है ये कि आप लोग खुद बनाएंगे तो आप खुद सोचेंगे कि वाह। ये देखिए, ये हमारी व्हिप क्रीम तैयार हो गई एक सिंपल तरीके से, जो घर पर हमने क्रीम तैयार की थी। कितनी अच्छी लग रही है ये, कितनी थिक हो गई है फ्रेंड्स। ये होममेड व्हिप क्रीम तैयार है। अब चाहे इससे आप केक को सजाइए या आइसक्रीम बनाइए, इस क्रीम का स्वाद ही कुछ। फ्रेंड्स, आज जो हमने घर के कच्चे दूध से ही क्रीम निकाली और उसी क्रीम से हमने हैवी व्हिप क्रीम तैयार की, आई होप कि आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।